बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत गर्म है राजकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर लगातार नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं दूसरी तरफ बीजेपी ने ठगने की बात कही है कि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने ठग लिया नियोजित शिक्षकों को ऐसे में नीतीश तेजस्वी के विधायक यानी कि आर जे और जे के विधायक इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं क्या नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा उन्होंने कई सारी बातें को कहा है आरजेडी विधायक मुन्ना यादव और जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा इन मुद्दों को लेकर क्या क्या कुछ कह रहे हैं राजकर्मी का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे साफ साफ नौकरी दिया पंद्रह लाख के बदला पंद्रह रुपया कोई खाता में गया दस लाख नौकरी दस लाख का प्रक्रिया शुरू है ना देंगे नौकरी बिल्कुल मिलेगा दस लाख को मिलेगा कि नियोजित शिक्षकों को आप लोगों ने ठग लिया ठग लिए हम लोग कहाँ अपने राज्यकर्मी का दर्जा दे सुशील मोदी जिस समय डिप्टी सीएम थे और वित्त विभाग जिस समय उनके पास था सुशील मोदी ने कहा था कि भगवान भी अथी राज्यकर्मी का दर्जा मानदेय नहीं दे सकता तो निकालिए डेकर्ड सुशील मोदी का भाजपा का तो बड़ा लीडर है और डिप्टी सीएम थे जिस समय वित्त मंत्री थे वो कहे थे कि भगवान भी जो है मानदेय नहीं दे सकता है राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है उसके बाद भी सरकार जो है मानदेय दिया आज जो चार हजार पर भारी था चालीस हजार पर काम कर रहा है ये सरकार काम करती है अब वो सरकार जो है केवल देखावा वाली है हम लोग तो नियोजित शिक्षक को क्या ठगे नियोजित शिक्षक के पंद्रह सौ से लेके इकतालीस हजार किया है इकतालीस हजार के बाद भी हम लोग उसमें लगे हुए हैं हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है नियोजित शिक्षक के साथ बीजेपी कह रही है कि आप लोगों अब बीजेपी का काम है जुमलेबाज पार्टी है बीजेपी जुमलेबाजी करते रहता है सुबह से शाम तक जुमलेबाजी करता है हम लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा शिक्षक को दिए हैं राज्यकर्मी का दर्जा की नहीं एकदम कुछ अच्छा होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है बहुत अच्छा अरे हमने कहा था कि अच्छा होने वाला है सेविका इन लोगों को तो उनका अच्छा हो गया ना उसी तरह से इनका भी अच्छा होने वाला, अच्छा होने वाला है जेडीयू विधायक 1500 से लेकर चालीस हजार कर दिया गया है मानदेय उनका और आगे भी कुछ अच्छा होने वाला है जल्द अच्छी खुशखबरी सुनने वाली है वहीं मुन्ना यादव ने साफ साफ कहा कि बीजेपी वाले जिस तरीके से आरोप लगा रहे सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था क्या वो अपनी बात दोहराएंगे क्या कुछ कहा था उन्होंने कि नहीं देंगे तो उन्होंने भी कहा कि ये सरकार काम करती है औरों की सरकार की तरह बातें नहीं बनाती तो बिहार में नियोजित शिक्षकों को दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत गर्म है और एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई इसको लेकर तेज होगा ये देखने वाली बात होगी कि नियोजित शिक्षकों को क्या बिहार में राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा आए देखना दिलचस्प होगा